नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। जब आप मंदिर जाते हैं तो ये तो आपको ही सोचना है, मंदिर क्यों जाते हैं। कोई अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाता है, कोई बहुत सुंदर श्रृंगार होता है इसलिए जाता है, कोई इसलिए जाता है कि 100 लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं। ठीक है, जो भी भावना हो, लेकिन कुल मिला के मंदिर जब जाया जाए तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना की जाए, हे प्रभु आप हम पर कृपा करते रहें, हम इसी प्रकार बार बार वृंदावन आते रहें, बार बार आपके दर्शन करते रहें। आपके दर्शन करने से हमारा मन पवित्र हो, हमारा तन पवित्र हो, हमारा चित्त पवित्र हो, हम राग द्वेष अहंकार से बचें और आपकी भक्ति करने के लिए योग्यता प्राप्त करें। हमें गुरु प्राप्त हो, गुरु प्राप्त हो गए हैं तो हमारा मन भजन में लगे, हम आपके चरणों की सेवा करें, हम बार बार आपके दर्शन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। कुल मिला के मोटी मोटी यही प्रार्थना मंदिर में जाके ठाकुर के समक्ष करनी चाहिए। और कोई अपनी मनोकामना हो, हम यदि प्रारंभिक लेवल के साधक हैं तो हमें कामनाएं होती हैं, वो कामना ठाकुर से कहनी चाहिए, प्रभु आप ये मेरी कामना पूर्ण कर दो। लेकिन कामना उचित होनी चाहिए, किसी के अहित की, किसी को कष्ट देने की या अनैतिक कामना ठाकुर से कभी भी नहीं कहनी चाहिए। किसी के सुख की, किसी को सुख देने की, किसी के हित की, अपने हित की, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि की प्रार्थना ठाकुर से करनी चाहिए और ठाकुर सुनते हैं। धीरे धीरे मन बुद्धि जब शुद्ध हो जाता है तभी भगवान, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप समझ आने लगता है। जय श्री राधे, जय निताई।